you're prepared to break the silence. I'll be out in the sunshine. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज जो ये वीडियो होने वाली है वो नहीं है घर को लेके, क्योंकि हम घर में करवाने अपना रेनोवेशन। तो मैं आपको एक होम टूर देता हूँ, क्योंकि जैसे कि जिसके छोटे घर होते हैं ना यार, वो भी सोचते हैं कि हमारा घर थोड़ा सा ओपन हो गया, छोटे कमरे बंद हो जाते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, हमारा भी थोड़ा सा घर पहले ऐसे ही था, तो हम इसको थोड़ा सा ओपन करवा रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं। तो चलिए मैं आपको एक होम टूर देता हूँ। ये है मेन डोर और यहाँ से जो ये है ये गैलरी का फर्श, तो ये हमने पूरा तोड़वा दिया है। उसके बाद में अगर हम लेफ्ट में जाएंगे तो सामने एक किचन थी, किचन में यहाँ पर हुआ करता था पहले गेट, यहाँ पे गेट था पहले और चौखट लगी हुई थी वो निकलवा दी। तो अब क्या है ना, ये जो किचन है हमारी ये ओपन हो जाएगी और यहाँ पर ये पूरा स्पेस बन गया। अब स्पेस बनने के बाद में यहाँ पर हम फ्रिज वगैरह या कुछ भी लगा देंगे, और अंदर की जो टाइल्स हैं जो ये लगी हैं ग्रीन वाली टाइल्स, ये सब निकल जाएंगी। यहाँ पर आर ओ का कनेक्शन हो जाएगा और सिंक लग जाएगा, नीचे टाइल्स या जो भी लगेगा मार्बल, देखते हैं क्या लगवाएंगे। फिर उसके बाद में जो सामने हमारा वॉशरूम था, ये यहाँ पे सीढ़ियों के नीचे वॉशरूम है, और वॉशरूम के बाद में यहाँ पर सीट लग जाएगी उधर सामने, और सीट लगने के बाद में यहाँ पर जो है पूरा मतलब इधर इस दीवार पर नल वगैरह और जो शावर लगेगा वो यहाँ पर लग जाएगा। फिर उसके बाद जो यहाँ पर दीवार होगी, इसमें दीवार होगी, दीवार होने के बाद में इसी दीवार पे यहाँ पे सामने की साइड में वॉश बेसिन वगैरह लग जाएगा और ये पूरा कवर हो जाएगा यहाँ से। तो इसके बाद अब चलते हैं ऊपर की साइड, ऊपर दिखाता हूँ। तो ये जो सीढ़ियाँ हैं यहाँ से ऊपर चलते हैं, ऊपर चलने के बाद में यहाँ पे सामने ये जो किचन थी पहले, लेकिन अब इसमें भी यहाँ पर पूरा वॉशरूम बन जाएगा ये। अभी इसके अंदर लाइट नहीं है, नहीं तो अच्छे से दिखाता। वॉशरूम के बाद में यहाँ पे ये पूरा हॉल है और ये जाल लगा हुआ है वेंटिलेशन के लिए। फिर इसी के साथ में एक और ये रसोई है, ये वाली किचन ऐसी की ऐसी रहेगी। और उसके बाद में ये एक रूम था और ये वाला एक रूम था, पहले लाइट ऑन कर लेते हैं। ये रूम था और ये रूम था, फिर इसमें जो टांड थे और अलमारी थी वो तोड़वा दी है हमने। उसके बाद में जो इस कमरे की वॉल थी वो तोड़वा के बीच में से मतलब दोनों कमरों का एक कमरा कर दिया, तो यहाँ पर एक अच्छा खासा बड़ा बेडरूम बन जाएगा। उसके बाद जो इस कमरे में टांड था वो भी तोड़वा दिया है, और ये जो अलमारी लगी थी ये भी तोड़वा दिया है। तो अभी ये यहाँ पर अच्छा खासा एक बड़ा बेडरूम या ड्राइंग रूम कुछ भी यहाँ पर बन जाएगा, अपना बैठने उठने के लिए काम आएगा हमारे। खुला हो गया मतलब ना, नीचे से पहले बंद था तो खुला हो गया है। यहाँ पर जो गेट लगा हुआ था इस वाले कमरे का, वो अब ये पूरी दीवार हो जाएगी, ये बंद हो जाएगा, सिर्फ एक गेट सामने से रहेगा। और ये साइकिल खड़ी है, ये कुछ सामान पड़ा हुआ है यहाँ पे पाइपलाइन वगैरह का और बिजली के पाइप्स का। उसके बाद में इसके साथ में एक कमरा यहाँ पर है, एक रूम ये वाला है, इसकी भी अलमारी तोड़वा दी है और इसमें बनाएंगे अब यहाँ पे अपना स्टूडियो, यूट्यूब स्टूडियो और जो भी बनेगा साथ में। इस दीवार पे मैं सोच रहा हूँ कि शीशा लगवा के यहाँ पर अपना पूरा जो जिम है मतलब जिम का तरह एक सेटअप करूँ यहाँ पे, फ्लैट बेंच वगैरह जो भी मैं लगाऊंगा बाद में वो सब लग जाएगा। और इस रूम से बाहर निकलने के बाद में इसी रूम के साथ में ये वाली किचन इसके साथ अटैच है। तो अभी तो इसके अंदर हमने ऐसे ही सामान अपना भरा हुआ है फालतू का, जो अभी मतलब यूज करते हैं लेकिन अभी काम नहीं आया क्योंकि घर में काम फैला हुआ है, तो हमने सारा सामान इसी किचन में भर दिया। तो एक किचन है ये भी, ये छोटी किचन है पर बाकी दोनों किचन से, और ये माइक्रोवेव रखा हुआ है यहाँ पर, तो इसको भी हम यूज कर रहे हैं अपने लिए। फिर इसके बाद में यहाँ से हम बाहर निकल जाएंगे, तो यहाँ पर एक वॉशिंग मशीन पड़ी है, एक वॉशिंग मशीन उधर पड़ी हुई है रसोई अंदर वाली रसोई के पास में। बालकनी है यहाँ की, बालकनी के बाद में यहाँ से ऊपर जाएंगे तो ये पूरी छत है फिर, क्योंकि छत पे भी पूरा सामान ही फैला पड़ा है, क्योंकि नीचे काम चल रहा है तो ऊपर पूरा एकदम सामान फैला पड़ा है, जो भी सरिये चौखट वगैरह यहाँ से निकलेंगे सब पड़े हुए हैं। और साइकिल खड़ी है, कुछ पेड़ पौधे हमने लगा रखे हैं, बाकी धीरे धीरे छत को भी अच्छा बनाएंगे, यहाँ पे भी पेड़ पौधे वगैरह लगाएंगे खुले में ताकि बैठने में अच्छा लगे। खाना भी आ गया अपना, क्या क्या है ये, क्या है, दाल प्याज रोटी सब रायता, चलो सही है बढ़िया। तो अभी खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद फिर चलते हैं कुछ सामान लेने बिजली का। तो अभी जा रहे हैं कुछ सामान लेने के लिए, कुछ ये दो सामान है जो वापस करके दूसरे लेकर आने हैं, तो सामान लेकर आ रहा हूँ। एल्बो है, इतनी एल्बो है क्या बोलते हैं इसको पता नहीं, लेकिन ये स्ट्रेट में लेकर आनी है।
ऐसी बैंड है तो स्ट्रेट में तो वो लेकर आते हैं अभी। अरे 10 ये ईंट चढ़ाएंगे तो 2 मैं चढ़ा दूंगा ना। अब खत्म है, 6 महीना हो गया माल चढ़ाई बंद। क्यों क्या होगा? या देखो अच्छा। ये नस, ये माल पता नहीं कहाँ, ये दोनों पैर में लोग है। अच्छा चढ़ाओ साले का की मोटाई गई है। नहीं मैं कुछ क्या थोड़ी ना, नहीं सही। अपना फोन दिखाना मम्मी एक बार जरा। फोन दिखाने एक बार। ये देखो भाई मम्मी का फोन कितना खतरनाक है। ये देखो ओ। ये पहले मैं चलाता था फिर मैंने मम्मी को दे दिया। अब देखो ये कैसे चलता है फोन। वो सिर्फ एक पत्ते पे स्क्रीन टिकी हुई है इसकी भाई।